आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग विभिन्न विचारों के द्वारा और विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने मंदिर मूर्ति पूजा और अभिषेक के अनुष्ठान से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार किया है। वैसे हमें वास्तव में इन दिनों में 16 कारण भावनाओं पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 16 कारण पर्व इन दिनों हम मना रहे हैं। वह पर्व भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही आया है। बुरी और भली दोनों तरह की भावनाएं होती हैं और जैन दर्शन तो भावना प्रधान ही माना गया है। 5 महाव्रतों को स्थिर रखने के लिए हर एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं कही गई। संसार से विरक्त होने के लिए 12 भावनाएं और वैराग भावनाओं का चिंतन किया गया, लेकिन इन सब के अलावा तीर्थंकर बनने के लिए भी अपने आत्मकल्याण के साथ साथ लोक कल्याण करने की भावना भी भाई जाती है। यह बात आचार्य भगवंतों ने विशेष रूप से 16 कारण भावना के रूप में कही है। ये 16 भावनाएं हैं जो कारण बनती हैं तीर्थंकर प्रकृति के संचित होने में। सारी कर्म प्रकृतियों में एक कर्म प्रकृति नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति ऐसी है जिसका संचय करना आसान नहीं है। कर्मों के बंध की प्रक्रिया को आचार्य भगवंतों ने संसार का कारण माना है, लेकिन मजा यह है कि एकमात्र तीर्थंकर नाम कर्म है जिसके बंध को संसार का कारण नहीं माना, बल्कि आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का कारण माना है। ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म के संचय के लिए सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है,
लेकिन अपने आत्मा की अनंत योग्यता को कोई जागृत कर ले तो वो इस तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बैठकर सम्यक दर्शन के साथ जब 16 कारण भावनाएं भाई जाती हैं और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से भाई जाती हैं, तब जाकर के और तीर्थंकर प्रकृति बंधती है या उसका संचय होता है। हम देखें कि वे 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं, तो सूत्र जी के एक सूत्र में दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता सील व्रतेश नति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर भैया वृत्तकरण महदाचारी बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस का परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के अर्जित करने में या संचित करने में कारण बनती हैं, जिनमें सबसे प्रथम भावना है दर्शन विशुद्धि भाव। दर्शन विशुद्धि और सम्यक दर्शन में अंतर क्या है? चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि को 16 कारण भावनाएं केवली शुद्ध केवली के पादमूल में भाने पर प्रारंभ हो सकती है तीर्थंकर प्रकृति बंधना, जिसका बंध चलता है 8वें गुण स्थान के प्रथम समय तक। चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होकर 8वें गुण स्थान के प्रथम समय तक। बात अपन के समझने की यह है कि ये भावनाएं सम्यक दृष्टि के द्वारा भाई जाएं, तभी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। जब जिसकी दृष्टि पहले निर्मल हो गई, अब और दर्शन विशुद्धि की क्या आवश्यकता है? ये विचार मन में सहसा आता है। दृष्टि की निर्मलता हासिल करने वाले सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, और वह भी 16 कारण भावनाओं भाने पर बंधेगी। लेकिन ध्यान रखना, सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में अंतर इतना ही है कि सम्यक दर्शन भी निर्दोष होना चाहिए, और इतना ही नहीं, विषय चिंतन ना होकर के सिर्फ तत्व चिंतन जिसमें हो वो दर्शन विशुद्धि भावना है। सम्यक दृष्टि तो जब सामायिक इत्यादि करेगा तब आत्मचिंतन करेगा, बाकी समय पंचेंद्रियों के विषयों का चिंतन भी कर सकता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना भाने वाला अपने पंचेंद्री के विषयों का चिंतन क्षण भर को भी नहीं करेगा, सिर्फ आत्मचिंतन। और वह आत्मचिंतन भी कैसा, वह आत्मदृष्टि भी कैसी, जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना छुपी। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना वाली आत्मदृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है, वो जाकर के तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का संचय कर सकता है। हर सम्यक दृष्टि के बस की बात नहीं है। चाहे तो एक सदगृहस्थ भी ऐसा कर सकता है, और कहो तो मुनि महाराज बनकर के भी ऐसा न कर पाए। हाँ, चौथे गुण स्थान वाला हो सकता है, हालांकि चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के प्रथम समय तक तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है श्रावक को भी और मुनि महाराज भी, जो 2 और 3 कल्याणक वाले अरहंत भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं विदेश क्षेत्र में। वे 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर तो वे ही होंगे जिन्होंने मुनि बनने के बाद फिर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में और 16 कारण भावनाएं प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई, वे मुनि ही 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हो सकते हैं, या कि जिनका गर्भ और जन्म तो सामान्य रूप से हो गया बाद में गृहस्थ में रह करके, और जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का संचय किया, सो जैसे ही दीक्षा ली सो दीक्षा कल्याणक मनाया गया, फिर केवल ज्ञान होने पर ज्ञान कल्याणक और निर्वाण पर मोक्ष कल्याणक, ऐसे 3 कल्याणक हुए, वो भी तीर्थंकर। श्रावक और मुनि दोनों ही इस तीर्थंकर प्रकृति को
संचित कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सम्यक दर्शन के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिसमें हो, ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले सैकड़ों लोग हो सकते हैं, सैकड़ों संस्थाएं हैं जो कि लोक कल्याण के लिए बनी हुई हैं, लेकिन यहां कह रहे हैं कि ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाए जिसमें कि लोक कल्याण की भावना। आत्मदृष्टि, एक बार अपने आत्म तत्व का श्रद्धान हो जावे तो वो आत्म तत्व प्राणी मात्र के भीतर दिखाई देने लगेगा, और जैसे ही प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व दिखाई पड़ेगा तो प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना ही उमगेगी, सहानुभूति और उदारता आए बिना नहीं रहेगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाए जिससे प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना उत्पन्न। यहाँ आत्म कल्याण गौण है, प्राणी मात्र के कल्याण की प्रमुखता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सबके लिए उत्पन्न ही नहीं हो सकती, बिना सम्यक दर्शन के ऐसी भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि को ही प्राणी मात्र के कल्याण की भावना उत्पन्न हो सकती। जिसने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है वो ही जानता है कि जैसा मेरा आत्म तत्व है वैसा ही प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व है, और उस आत्म तत्व के विकास की भावना भाना प्राणी मात्र अपने आत्म तत्व को पहचान कर अपना कल्याण कर लेवे, ऐसी भावना तो जिसने आत्म तत्व को जाना है, जिसको आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, उसके ही आ सकती। इसलिए लिखना पड़ा कि ऐसी आत्मदृष्टि जिसमें कि प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और उदारता जागृत हो जावे, अपने सम्यक दर्शन को हम कसौटी पर कस के देख लें कि प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक आदि हमारे भीतर ये आए हैं या नहीं। हमारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और उदारता आई है या नहीं, तब हमारी 16 कारण भावनाएं भाना सार्थक होगा। और वैसे तो 16 कारण की पूजा, पंच मेरु की पूजा, 10 लक्षण की पूजा और भी विभिन्न प्रकार की पूजाएं हम करते हैं, उन पूजाओं के साथ साथ हमारे भीतर ये भावना भी आनी चाहिए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। लेकिन आत्मदृष्टि पूर्वक कल्याण की भावना के मायने क्या है, उनके भीतर जो आत्म तत्व है वो भी विकास को प्राप्त हो, मेरा आत्म तत्व भी विकास को प्राप्त। द्रव्य और तत्व में अंतर इतना ही है, थोड़ी सी कठिन चर्चा कर रहा हूँ, फिर उदाहरण से सारी चीजें अपन आसान कर लेंगे। थोड़ी सी चर्चा, अब तो बहुत दिन हो गए, थोड़ी सी कठिन चर्चा भी कर सकता हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक मिनट में गायब होता शयोपशम ज्ञान ऐसा है, एक मिनट में पर्दा जो है ऐसे आ जाता है, जो बात कहने की थी वो बात गायब हो जाती है। द्रव्य और तत्व दोनों में फर्क क्या है? सबका अपना अपना द्रव्य इंडिविजुअल है, अपन जितने लोग बैठे हैं वे सब जीव द्रव्य हैं, सबका अपना अपना जीव द्रव्य है, लेकिन जीव तत्व सबके भीतर एक ही है। हजार लोग बैठे हैं तो कितने जीव द्रव्य हैं? हजार जीव द्रव्य हैं, लेकिन हजार आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व तो एक ही है। सबके भीतर वह जो तत्भाव है अर्थात जीवपना है, वो सबके भीतर एक ही है, भले ही अपने अपने प्राणों के द्वारा जो जीता है आगे जीत का, पहले जीता था जीवति जीवित पूर्वो जीविष्यति इति वा जीवा, ऐसा जीव द्रव्य सबका अलग अलग है लेकिन जीवत्व सबके भीतर एक समान है। उस आत्म तत्व या कि जीव तत्व के विकास की भावना सबके भीतर उसका विकास हो, ऐसे कल्याण की भावना से जिसकी आत्मदृष्टि निर्मल हो गई है उसे कहेंगे दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन में तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान, कहे गए 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उसका वैसा श्रद्धान, आपा पर का भेद विज्ञान, अपने आत्मा में रुचि
और अपने मिथ्यात्व का क्षय उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में तो इतनी बातें हैं दृष्टि की निर्मलता के लिए, सो वो हासिल हो गई। लेकिन अब इसके बाद उस सम्यक दर्शन में निर्मलता कैसे आएगी? दृष्टि की निर्मलता को सम्यक दर्शन कहते हैं और सम्यक दर्शन की निर्मलता को दर्शन विशुद्धि कहते हैं। अब उस दर्शन विशुद्धि को हम थोड़ा सा समझें कि उस दर्शन विशुद्धि में जो कि सम्यक दर्शन की निर्मलता है, तो सम्यक दर्शन में भी निर्मलता आती है क्या? सम्यक दर्शन तो अपने आप में निर्मल है। तो कहते सम्यक दर्शन में भी निर्मलता आती है कषायों की मंदता से। हाँ, और कषायों की मंदता आती है आत्मचिंतन और तत्व चिंतन से। इसलिए जो निरंतर तत्व चिंतन में लगा है, जिसने विषय कषाय का को विश्राम दे दिया है, उसके लिए ही दर्शन विशुद्धि होगी। अपने घर में रह करके और हम तत्व चिंतन थोड़ी देर कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर पंचेंद्री के विषयों का विचार भी मन में आ जाएगा, क्योंकि घर गृहस्थी लगी है। इसलिए कहते कि घर में बैठ के सम्यक दृष्टि को नहीं होगी, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठ करके वर्ष पृथक्त्व 3 वर्ष से 9 वर्ष के बीच की अवधि में जब वहीं बैठ करके दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाएं भाई जाएंगी, तब प्राप्त होगी, तब सम्यक दर्शन में निर्मलता होगी, क्योंकि कषाय मंद होगी, तत्व चिंतन निरंतर बढ़ता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति अत्यंत उदारता मन में अपने आप आनी शुरू होगी, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति। देखो तो शुद्ध भाव करने की चर्चा जैन आगम में है। शुद्ध और अशुद्ध दो ही भाव होते हैं, सो अशुद्ध भाव छोड़ के शुद्ध भाव करना, उससे मोक्ष होगा। लेकिन बीच में अगर कोई प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रूप शुभ भाव करे, तो भी उसकी पीठ थपथपाई जा रही, बल्कि उसी की पीठ थपथपाई जाती है, क्योंकि बिना तीर्थंकर के धर्म का प्रवर्तन हो नहीं सकता। शुभानुराग, सोचो आप, सम्यक दृष्टि का जो शुभानुराग है वो हमारे लिए कल्याण का कारण बनता है। हमारे सम्यक दर्शन में, हमारे तत्व चिंतन में कौन कारण बना है? तीर्थंकर कारण बनते हैं, वरना हम क्या जानते थे कि क्या आत्म तत्व है और क्या पर तत्व है? आप अपर का भेद विज्ञान 7 तत्व और सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप बताने वाले अगर कोई हैं तो तीर्थंकर हैं। उन्होंने कौन सी भावना भाई? उन्होंने सम्यक दर्शन के साथ शुभ अनुराग रखा, प्राणी मात्र के कल्याण का भाव रखा, जिससे कि आज हमारा कल्याण हो रहा है। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे भीतर अगर प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति आ जाती है तो हमारे गुण बढ़ते हैं, या हमारे गुण बढ़ने लगे। अच्छा, जो व्यक्ति, अपन थोड़ा विचार करें, जो व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और उदारता रखेगा, क्या उसे किसी से भय हो सकता? बताइए, उसका कोई शत्रु और बैरी हो सकता क्या, जिससे उसे डरना पड़े? जिसकी प्राणी मात्र से मैत्री है, प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति है, सबके लिए हृदय में करुणा है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति कितना निशंक होगा? देखो, एक गुण आ गया निशंकित, काहे से आ गया? निशंकित अंग में भी विशुद्धि आ गई, प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति और उदारता। और जो प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति रखता है, प्राणी मात्र उसके प्रति भी सहानुभूति रखेगा, तो बताओ उसको संसार के किसी विषय भोग की आकांक्षा जागेगी क्या? जिसने सबको अपना मान लिया, उसको संसार के भोग विलास की आकांक्षा होगी नहीं, निकांक्षित गुण उसके भीतर अपने आप आने लगा। और जो व्यक्ति सबसे सहानुभूति रखता है, विशेष रूप से धर्मात्माओं से तो बहुत सहानुभूति रखता है, बताओ वो धर्मात्मा के मलिन शरीर को देख करके क्या घृणा करेगा? उसके भीतर निर्विचिकित्सा अंग अपने आप आ गया। और जिस व्यक्ति ने एक बार अपनी आत्मदृष्टि प्राप्त कर ली, क्या वो कभी यथार्थ तत्व से विमुख हो पाएगा? उसकी दृष्टि में मूढ़ता आ पाएगी? अविवेक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए उसे अमूढ़ दृष्टित्व नाम का गुण अपने आप प्राप्त हो जाने, एकमात्र प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति रखने से। और जिसकी प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति है,
वो धर्मात्माओं के दोषों को तो देख ही नहीं सकता, उसे दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। सहानुभूति और उदारता दूसरों के दोषों को देखने के लिए मंजूरी ही नहीं देती। ये गुण हमारे भीतर अगर आ गया, एक गुण आया है तो सारी चीजें आना शुरू हो गई। आत्म तत्व को अगर हमने जान लिया तो सहानुभूति आ गई, और सहानुभूति आ गई तो सारे गुण अपने आप आने लगे। निर्दोष हो गया सम्यक दर्शन। आत्मदृष्टि और सहानुभूति ने मिलकर के हमारे सम्यक दर्शन को निर्दोष बना दिया। ये प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने दर्शन विशुद्धि के लिए दी है। मैं जब विचार कर रहा था तो बहुत अद्भुत लगा, बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या सचमुच हम लोगों के भीतर ऐसी आत्मदृष्टि आ गई। अपने कल्याण की आत्मदृष्टि की चर्चा नहीं है यहाँ, तो वो आत्मदृष्टि जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण का भाव उत्पन्न हो गया। सबके भीतर जो आत्म तत्व है उसका विकास कैसे हो, मैं कैसे उस मोक्ष मार्ग को सबके लिए बता सकूं जिस मोक्ष मार्ग को मैंने अपना लिया है। ये बात मन में जब आना शुरू होती है तब अपनी गुणवत्ता भी बढ़ती है, अपने अंदर आत्मा में निर्मलता बढ़ती है, और साथ साथ वह तीर्थंकर प्रकृति का संचय होना शुरू होता। अत्यंत पुण्य फला अरहंता, अत्यंत पुण्य का काम है तीर्थंकर प्रकृति। सारी पुण्य प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। और देखें, कोई व्यक्ति जो सबसे सहानुभूति रखता होगा वो अगर किसी धर्मात्मा को कभी पतित होते देखेगा तो क्या कभी उसकी निंदा करेगा, या उसे और अधिक गिराने का प्रयास करेगा, या उसे संभालेगा? जिसके प्रति हमारी सहानुभूति होती है वो कहीं चूक भी जाए, गिर जाए, तो हम उसे फौरन संभाल लेते हैं। तो स्थिति करण नाम का गुण भी हमारे भीतर आ गया, और धर्मात्मा के प्रति सहानुभूति रखना ही तो वात्सल्य है। और जो सबके प्रति सहानुभूति और उदारता का भाव रखता है उसी व्यक्ति के द्वारा धर्म की सच्ची प्रभावना हो सकती है। सारी बातें एक साथ आ गईं। आत्मा प्रभाव निया, जिसने अपने आत्मा का विकास कर लिया, वास्तव में प्रभावना तो वही है। उसकी आत्मा को देखकर बाकी सबने अपने अपने आत्मा के विकास की भावना भाना शुरू कर दी, हो गया दोनों का काम। एक ने अपने आत्मदृष्टि को प्राप्त किया और प्राणी मात्र से सहानुभूति रखी, जिसके परिणाम स्वरूप सारे जीवों ने वैसी ही अपनी दृष्टि की निर्मलता का भाव बनाना शुरू कर दिया, हो गया आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण। अब कैसे नहीं बंधेगी तीर्थंकर प्रकृति? भैया, ऐसी ही अपने भीतर आत्मदृष्टि पूर्वक प्राणी मात्र के कल्याण की भावना आ जावे तो हमारी दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाना सार्थक होगा। आज तो अपन 16 कारण भावनाएं भाएं भी तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनेगी, ऐसा विचार करके उदास न होना चाहिए, न उदासीन होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे काल में बैठे हैं जहाँ केवली शुद्ध केवली का सानिध्य हमें नहीं मिलने वाला, लेकिन यदि आज हम 16 कारण भावनाएं भाएंगे तो हमें आगामी जीवन में और ऐसा अवसर प्राप्त होने की संभावना तो बनेगी कम से कम। और न बने भैया तीर्थंकर, तो तीर्थंकर के समोशरण में बैठ करके अपने आत्म कल्याण का विचार ही हमारे मन में बना रहे। कारण परम में शुरुआत करनी चाहिए। 15 भावनाएं तभी सार्थक होती हैं जब दर्शन विशुद्धि भावना आती है तब। 16 कारण भावनाओं में से 16 ही भाना पड़े ऐसा अनिवार्य नहीं है। किसी एक भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है, लेकिन ध्यान रहे दर्शन विशुद्धि प्रमुख है। दर्शन विशुद्धि के अलावा विनय संपन्नता भी हो, दर्शन विशुद्धि के साथ अवीक्षण ज्ञान उपयोग हो, नहीं तो पढ़नता बहुत है संसार में। अवीक्षण ज्ञान उपयोग अकेले से नहीं होने वाला, दर्शन विशुद्धि पूर्वक अवीक्षण ज्ञान उपयोग होवे तो तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। यानी कि पहली दर्शन विशुद्धि हमारे पास हो, फिर बाकी 15 हो तो और नहीं हो तो। अपना काम मुख्य रूप से दर्शन विशुद्धि से होने वाला, उसे ही हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। हम सबसे पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा बनाएं, 7 तत्व जो कहे हैं उनका निरंतर अभ्यास करें, और आपापर का भेद विज्ञान प्राप्त करें,
जहां आत्मा की चर्चा चलती हो उसमें रुचि लेवे, विषय कषाय में रुचि अब कमती करें, और फिर इतना ही नहीं प्राणी मात्र के भीतर उस आत्म तत्व को देखें ताकि सबके विकास की भावना अपने भीतर आवे। प्रक्रिया इतनी ही है। अब इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए अपन थोड़ा सा आगे विचार करें। हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने वाणी को निर्मल बनाने के लिए, कर्म को निर्मल बनाने के लिए और मन को या विचारों को निर्मल बनाने के लिए कोई उपाय बताया कि नहीं बताया? हमारे पास तीनों चीजें हैं, वाणी है, मन है और शरीर है। इन तीनों को यदि हम धीरे धीरे निर्मल बनाएं, कैसे निर्मल बनेंगे? विचारों की निर्मलता आती है अनेकांत धर्म से। वस्तु अनेकांतात्मक है और उसके हर धर्म को विपरीत होने पर भी स्वीकार करना, मैं पर्याय की अपेक्षा नाशवान हूं लेकिन मैं शाश्वत भी हूं, दोनों बातें हैं। ये विचार आना चाहिए। ये विचारों में निर्मलता कब आएगी? जब हमारे अंदर सहिष्णुता, सबके विचारों का सम्मान कर सकें, ये बात अपने विचार में आ जावे तो विचारों की निर्मलता आ गई। अनेकांत धर्म हमारे विचारों में निर्मलता लाता है, हमें सहिष्णु बनाता है। अभी तो हम दूसरे के विचारों से बहुत जल्दी असहमति जाहिर कर देते हैं, अभी तो दूसरे के विचार को हम सर्वथा निषेध ही कर देते हैं, उसे हम देख भी नहीं पाते, विचार भी नहीं करते कि कहीं उसमें भी कोई सच्चाई तो नहीं है। तो हमारे विचारों में इतनी सहिष्णुता आनी चाहिए कि हम दूसरे के विचार को सुन तो सकें। मानना नहीं मानना वो तो हम जब कसौटी पे कसेंगे, ठीक होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, लेकिन विचार सुनने में क्या हर्ज है? ऐसी अपने विचारों में सहिष्णुता आनी ही विचारों की निर्मलता है और वाणी की निर्मलता है साद्वाद। जब भी धर्म का प्ररूपण करें तब सापेक्ष ही कथन करें, तब कहलाएगी वो वाणी की निर्मलता। जब अपन दस लक्षण धर्म में वाणी की निर्मलता समझेंगे तब उसके लिए बिल्कुल अलग ढंग से बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने तो ये क्या बता रहे हैं, फिर दस लक्षण में कुछ और बताऊंगा वाणी की निर्मलता के लिए। वहां पर सत्य धर्म की चर्चा चलेगी, वाणी की निर्मलता वो व्यवहार धर्म है। ये जो है अपन चर्चा कर रहे हैं अभी दर्शन विशुद्धि में जो वाणी की निर्मलता है, उसके लिए तो सापेक्ष कथन करना ही वाणी की निर्मलता है। धर्म है वहां पर साद्वाद धर्म, अनेकांत धर्म, साद्वाद धर्म, और शरीर की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता के लिए अहिंसा धर्म। दर्शन विशुद्धि में ये तीनों चीजें समाहित हैं। ऐसी दर्शन विशुद्धि हमारे भीतर आए कि हमारे विचारों में सहिष्णुता आए, हम दूसरे के विचारों से सहमति असहमति तो बाद में जाहिर करें पर उसके विचारों को सुनने के लिए कम से कम अपना मन तैयार रखें, और वाणी हमेशा सापेक्ष कथन बोलें, सर्वथा कथन ना करें, एकांत कथन ना करें, सापेक्ष कथन करें। जब भी बोलें तब कौन सी अपेक्षा से बोल रहा हूं ये स्वयं ध्यान रहे तो वाणी हमेशा निर्मल रहेगी। दूसरे की काट छांट के लिए बोलना वाणी की निर्मलता नहीं है। वाणी की निर्मलता तो है वस्तु तत्व का सापेक्ष कथन करना, क्योंकि वाणी हमें इसके लिए नहीं मिली है। वाणी तो हमें मिली है जो उसमें लिखा है कि पशुओं के समान मौन हो जाने का नाम मौन नहीं है, बल्कि आगम के अनुरूप वचन बोलने का नाम मौन है, ऐसा लिखा है। कवि सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह पढ़े, आचार्य अजित सागर जी महाराज का है, संग्रह किया हुआ, उसमें मैंने ये पढ़ा था। हम लोग सोचते हैं कि हम मौन रह जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो हो गई वाणी की निर्मलता, कहते नहीं, आगम के अनुरूप सापेक्ष कथन करना ही मौन है। बोलने को मौन कह रहे हैं, बताइए आप, तो कहते हाँ सर्वथा वचनों से मौन हो गए, पाप वचनों से मौन हो गए, पर्वधकार कठोर निंद नहीं वचन ऊंचा है। आ गया आपके भीतर वह भाव, और प्राणी मात्र के प्रति अगर सहानुभूति होगी तो सापेक्ष कथन ही होगा,
और सबके विचारों को सुनने का मन होगा। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है उसकी कड़ी बात भी सुनने की तैयारी अपना मन करे रहता कि सुन लो अपना ही व्यक्ति है, हैं? प्राणी मात्र को आपने उसके भीतर के आत्म तत्व को जान लिया है कि उस आत्म तत्व में भी मेरे ही जैसी परमात्म तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य विद्यमान है, इसलिए उसके आत्म तत्व का सम्मान करता हूं मैं। अगर ये आपके भीतर सहानुभूति, इस तरह की सहानुभूति, वो वाली छोटी मोटी सहानुभूति की चर्चा नहीं कर रहे कि किसी गरीब आदमी को देख के अपन ने कही भैया एक हम भोजन करवा दो, कपड़ा लत्ता दे दो, कछुवर कर दो, बस सहानुभूति नहीं, आत्म कल्याण रूपी सहानुभूति। हाँ, ये छोटी मोटी संसार की चीजें मुहैया कर देने का नाम सहानुभूति नहीं, वो तो दुनिया कर रही, उससे कोई तीर्थंकर प्रकृति का संबंध नहीं है। इसके भीतर जो आत्म तत्व प्राणी मात्र के भीतर विद्यमान है वो कैसे परमात्म तत्व को प्राप्त करे, ऐसी उसके भीतर भावना उत्पन्न हो गई, ये सहानुभूति और उदारता। और अहिंसा तो सब समझते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया और करुणा का भाव उत्पन्न हो जावे, हमारे शरीर की कोई भी क्रिया ऐसी ना हो जिससे कि जो दया से रहित हो। देखो रास्ता चलते समय ये विचार करना कि कांटा न चुभ जाए, पत्थर न लग जावे, एक विचार ये है, और दूसरा किसी जीव का मेरे पैर से घात ना हो जावे, एक विचार ये है। शरीर की क्रिया हमेशा दया और करुणा पूर्वक हो, भले ही उसके बावजूद भी हमसे जीवों की हिंसा हो सकती है, हो जाए, लेकिन मैंने जो है जीवों की हिंसा का भाव नहीं रखा है, मैंने शरीर की क्रिया की है तो दया और करुणा, और दया और करुणा पूर्वक कोई शरीर की क्रिया करे तो कितनी सी गर्व है, जो सोचो तो बहुत अल्प रह जाएगी शरीर की क्रिया अगर दया और करुणा से भर जाए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इस तरह की प्रक्रिया लिखी। एक छोटा सा उदाहरण दूं और आज बात इतनी ही रखूं क्योंकि समय बहुत जल्दी खत्म होता है, पर इतना जरूर है कि हम दर्शन विशुद्धि तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे दुनिया भर के जितने चश्मा हमने लगा रखे हैं दुनिया को देखने के, वे सब हमारा दृष्टि दोष जब तक दूर नहीं होगा तब तक दर्शन विशुद्धि प्राप्त नहीं होने वाली। दृष्टि दोष जिसको होता वही लगाता चश्मा, चाहे दूर दृष्टि दोष हो चाहे निकट दृष्टि दोष हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तभी चश्मा लगता। और अपन लगाए हैं बहुत सारे चश्मे, कौन से कम दो चश्मा तो लगाए ही हैं, एक राग का और एक द्वेष का, हमेशा लगा करके देखते, राग का चश्मा लगा के जो लोगों को देखते क्षण भर में, उसी को द्वेष का चश्मा लगा के देखते, ध्यान रखना दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। हाँ, दूसरे का एक नोट कर लेना कहीं, जहां दूसरे का राग दिखाई पड़े समझना अपना द्वेष है वहां पर, क्या समझे, जहां लगे कि इनका इनसे कितना राग है इसका मतलब ये तय हो गया कि आपका द्वेष है, पता नहीं लगता नहीं तो, और जहां दूसरे का द्वेष दिखाई पड़े इनको इनसे कितनी चिढ़ा है मतलब आपको उनसे राग है, ये पक्का हो गया उनका द्वेष है कि नहीं, ये बात की बात है। ये चश्मे अपन को उतारना पड़ेंगे तब दर्शन विशुद्धि आएगी। थोड़ी देर अभ्यास करने में क्या दिक्कत है, चश्मा उतार के रख दिया नहीं दिखेगा कुछ और क्या, राग द्वेष का चश्मा उतार के रख देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा संसार में, जो वास्तविक है वो दिखेगा। ऐसा अभ्यास भी सुबह शाम करना चाहिए तब जाकर के अपने भीतर ये दर्शन विशुद्धि और प्राणी मात्र के प्रति जो कल्याण की भावना है वो आएगी। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब विवेकानंद अहिंसा धर्म का प्रचार करने विदेश जा रहे थे तब उनके अपने गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचे, वो तो गुरु तो थे नहीं लेकिन गुरु की जो जीवन साथी, उनके यहां पर गुरु जो है वो गृहस्थ ही होते हैं इस तरह से, तो उनकी जीवन साथी ही थी, तो शारदा माँ कहलाती थी, तो वो भोजन बना रही थी रसोई घर में, तो उनसे कहा कि माँ मैं विदेश जाता हूँ, गुरु जी तो पता नहीं, उनका तो बता के तो जाते नहीं कब आएंगे, तो मैं तो जा रहा हूँ और आप आशीर्वाद दीजिएगा, कुछ नहीं बोली अपने काम में लगी रही। विवेकानंद ने फिर से कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अहिंसा धर्म के प्रचार के लिए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से मैं विदेश जाना चाह रहा हूँ, आशीर्वाद दे। तो बोली कि
नरेन, उनका नाम ओरिजिनल नरेन था, विवेकानंद तो बाद में हुआ। नरेन वो चाकू पड़ा उठा के तो दे, अरे मैं विदेश जा रहा हूं प्राणी मात्र के कल्याण की भावना लेके, आशीर्वाद मांगने आया था, मेरे से चाकू मंगवा रहे, चाकू तो उठा के दे। और विवेकानंद ने इनोसेंटली, बहुत कोई बहुत विचार नहीं किया, बोल बहुत भोलेपन में उठाया चाकू और मां की तरफ बढ़ा दिया, और चाकू तो हाथ में पकड़ा नहीं और हाथ उठा दिया, जा तेरे द्वारा धर्म की प्रभावना होगी, अहिंसा धर्म तेरे द्वारा प्रभाव। अरे चाकू मंगाया, लिया भी नहीं, आशीर्वाद दे दिया, जब हम आशीर्वाद मांग रहे थे तब चाकू मंगाया, कुछ समझ में नहीं आया मां, अब जाने से पहले मुझे समझा दो। बोले मैं जानना चाहती थी कि तू सिर्फ वचनों से ही प्राणी मात्र के कल्याण की बात कर रहा है या तेरे दिल में भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। मुझे परीक्षा में मालूम पड़ गया कि तेरे भीतर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, क्योंकि तैने चाकू का फलक अपनी तरफ रखा है और उसका दस्ताना मेरी तरफ बढ़ाया है। अगर तू फलक मेरी तरफ बढ़ाता तो मैं समझ जाता। इतनी सी बात है, चाकू किस तरह से देना है इससे मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे भीतर प्राणी मात्र के प्रति कितनी दया करुणा सहानुभूति और उदारता है, तभी जाकर के और उस अहिंसा धर्म का पालन हो सकेगा। इसी भावना के साथ कि अपने जीवन में भी ये सब बातें देर सवेर जब भी आवे अपन भावना भाए कि ऐसा आत्म तत्व का बोध अपन को भी हो। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवावग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोतावो, शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, अंतर द्वारा हर दीवानी मानो जलती हो फूल डरिया, भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, लुटाया करते हो शम शम की अविनाश शर्मणिया, निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम सलाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। चाहूं जब जान वेखो बंद विद भान वेखो तो पर पिछान वेखो परम प्रमाणी है, जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के संगत मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण कमलों की पूजा अनर्घ पत्र प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा।